सब अच्छे दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको अभी तक नहीं पता लगा कंफर्म कि 14 मार्च के बाद आप किस तरह से छुट्टी लगवाना है और छुट्टी जाने के क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों पहले मैं बता दूँ आपको कि आप अगर छुट्टी जाना चाहते हैं या खुद जाना चाहते हैं तो अपने अफसर अकाउंट से ही छुट्टी लगवा सकते हैं। ठीक है, छुट्टी कब लगेगी दोस्तों, जब आपका एकामा ख़त्म हो चुका होगा या दोस्तों आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका होगा, तभी आप छुट्टी या एग्जिट जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप छुट्टी या एग्जिट बिना एकामा ख़त्म या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं ख़त्म होता है, अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती आप छुट्टी या एग्जिट जाना चाहते हैं, तो फिर आपको दोस्तों जब आप उसको अप्लाई करते हैं अफसर के थ्रू, तो दोस्तों वहाँ से एक क्या होता है, एक मेल आता है कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पर कंपनी अगर उसको रिटर्न मेल करती है कि ये आदमी कुछ भी लिख करके सेंड कर सकती है, जैसे कि हमारा ये आदमी है इस तरह से हमारे साथ में टीच कर रहा है और ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो दोस्तों हो सकता है वो परमानेंटली आपको यहाँ पर आने से ब्लॉक कर दें। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि अगर आप दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर आपका छुट्टी या एग्जिट लग चुका है तो 2 महीने तक आप सऊदी अरब में रुक सकते थे, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, आपको 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ से जाना होगा। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ से नहीं जाते तो लगता है 100% तो नहीं लेकिन 99% आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है। तो दोस्तों कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को जोड़ दबा लें, जिससे ही आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे।